हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टी की डिवाइडेड हेयर एंड ब्यूटी टिप्स। आज के वीडियो में मैं आपके बालों को 5 मिनट में जड़ों से काला करने का तरीका बताने वाली हूँ। हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेमेडी हैं जिनसे आप होममेड तरीके से या कुछ भी होममेड बनाकर अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला भी कर सकते हो, उनको उगा भी सकते हो, उनको लंबा भी कर सकते हो। अगर आपके बाल भी कुछ इस तरह से समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, मार्केट की बहुत सारी चीज़ें आप लगा लगा कर परेशान हो गए हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है और आपको कुछ इस तरह के शाइनी लॉन्ग हेयर चाहिए, तो आज की वीडियो, आज की रेमेडी आपके लिए ही है। तो इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। आपको घंटों वेट करने की ज़रूरत नहीं है या घंटों पहले इसे बनाकर भिगो कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। और सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐसी यूज़ की हैं जो नेचुरल है, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले मेरे वाइट हेयर देख लीजिए, आपको भी क्लियर दिखेगा कि मेरे भी वाइट हेयर है। इन्हीं को कवर करने के लिए मैं ये सारी रेमेडी बनाती हूँ, पहले खुद पर यूज़ करती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसी पोर्शन पे मेरे 5-6 बाल इस तरफ है और 5-6 बाल मेरे इस तरफ है, मतलब मिलाकर 8-10 हेयर जो है वो मेरे वाइट हैं, हो चुके हैं, उन्हीं को मुझे कवर करना है। अगर मैं होममेड तरीके से इनको ब्लैक कर लूँगी तो ये यहीं पर रुकना बंद हो जाएंगे, धीरे हो जाएगी इनकी गति। लेकिन अगर मार्केट वाला कुछ यूज़ करोगे तो डबल ट्रिपल तरीके से और भी तेज़ी से वाइट होने लगते हैं। तो मार्केट वाली चीज़ों को छोड़कर होममेड चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपके हेयर लॉन्ग रहे, ब्लैक रहे और शाइनी रहे। तो आज मैंने यहाँ पर ब्रिंग राज पाउडर का यूज़ किया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है तो सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो ब्रिंग राज पाउडर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयरफॉल बंद करता है, बालों को उगने में हेल्प करता है, आपके बालों को लंबा बनाने में हेल्प करता है, आपके हेयर फॉल को तुरंत बंद कर देगा लगातार आप इसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैं इसे लेने वाली हूँ। आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करूँगी, इसके बिना आपके बाल काले हो ही नहीं सकते, इसको यूज़ करोगे तभी आपके हेयर धीरे धीरे करके ब्लैक होना स्टार्ट होंगे। ये मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर लिया है आंवला पाउडर, ये भी आसानी से मिल जाता है और सारी चीज़ों का लिंक मैं फिर से बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। दोनों पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने, इसके बाद मैं इसको नॉर्मल जो वाटर होता है उससे मिक्स कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो आंवले का जूस यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एलोवेरा का जूस यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरी तरह मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको 2-4 घंटे भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है या ओवरनाइट रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी रेमेडी है जो इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है, मतलब 5 मिनट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसे भिगो कर रखो और उसके बाद आप इसको यूज़ करो। तो दोनों पाउडर 5 मिनट के अंदर ही अच्छी तरीके से अपनी जो गुडनेस है इस वाटर में रिलीज़ कर देंगे, फिर आप इसको अच्छी तरीके से अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे पानी ज़्यादा हो गया है या फिर मैं इसे कैसे अप्लाई करूँ, तो अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा पाउडर डालूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो आप इसे थोड़ी देर 1 मिनट के लिए गैस पर रखकर इसका पानी जो है वो कम कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद आप इसका कलर देख सकते हो। अभी मैं इसको ओवरनाइट जो है रखने के बाद कैसा कलर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको रेमेडी को यूज़ करना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये रेमेडी जब मैंने यूज़ की थी मैं इसको अप्लाई करना, मुझे नेक्स्ट डे अप्लाई करना था, लेकिन मुझे वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैंने इसको तुरंत बनाकर आप सबके साथ शेयर किया था और रात का टाइम था, रात को मुझे इसको अप्लाई नहीं करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये गाढ़ी हो चुकी है और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लो और आप इसको ब्रश या अपने फिंगर की हेल्प से अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हो। और ज़्यादा देर आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है हीना के जैसे कि आप, मैं इसको बहुत से लोग हीना एप्लीकेशन के बाद भी बहुत वेट करते हैं कि 5-6 घंटे सूखने के लिए छोड़ते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप इसको आधे घंटे के बाद वॉश कर सकते हो और उसके बाद रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐसी रेमेडी है जिनको मैं बीच में संडे वगैरह के दिन मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो लगातार आप इसको 3 महीने यूज़ करो, 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर यूज़ करो, उसके बाद आपको रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।